गूगल ने आज अपना डूडल भारत की शिक्षाविद, पहली महिला विधायक, सर्जन और समाज सुधारक रही डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी के नाम पर बनाया है। 30 जुलाई को डॉक्टर रेड्डी का जन्मदिन है और इस बार उनकी इस 133वीं जयंती के मौके पर गूगल ने उनका डूडल बनाने का फैसला किया। इस डूडल में डॉक्टर रेड्डी के हाथ में एक किताब है और दूसरा हाथ सीधा किया हुआ है। इनके पीछे महिलाएं और बच्चियां भी दिखाई गई है। तो चलिए अब आपको इत्मीनान से बताते हैं इस शख्सियत और उनके द्वारा हासिल उपलब्धियों के बारे में। मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म 30 जुलाई 1886 को तमिलनाडु में हुआ था, जिस समय भारत पर अंग्रेज सरकार का राज था। तब डॉक्टर रेड्डी सरकारी अस्पताल में सर्जन के तौर पर काम करने वाली पहली महिला बनी थी। इसके साथ ही वो पहली महिला विधायक भी बनी। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के साथ साथ लिंगानुपात को बराबर करने और लड़कियों के जीवन को सुधारने के लिए काफी काम किया। जिस दौर में मुथुलक्ष्मी रेड्डी बड़ी हो रही थी, उस समय बाल विवाह का चलन बहुत आम था। माता पिता उनकी शादी छोटी उम्र में ही कर देना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने इसका विरोध करते हुए पढ़ाई पूरी करने की बात कही और अपने माता पिता को उन्हें पढ़ाने के लिए राजी किया। रेड्डी ने तमिलनाडु के महाराजा कॉलेज में पढ़ाई की। उस समय तक वो कॉलेज सिर्फ लड़कों के लिए ही था। इसके बाद वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली गर्ल स्टूडेंट बनी, जहां उनकी दोस्ती एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू से हुई। कुछ ही सालों में डॉक्टर रेड्डी ने मेडिकल करियर को छोड़ राजनीति का रुख किया। डॉक्टर रेड्डी ने मद्रास विधानसभा में काम करते हुए शादी के लिए तय उम्र को बढ़ाने की मांग की और कम आयु में लड़कियों की शादी रोकने के लिए नियम बनाए। इसके साथ ही उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। 1914 में उन्होंने सुंदरा रेड्डी नामक एक डॉक्टर से शादी की। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी को अपनी बहन की कैंसर से हुई मृत्यु का गहरा सदमा लगा था, जिसके बाद उन्होंने साल 1954 में चेन्नई में अद्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जो कि आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है, जहां हर साल 80,000 से ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज होता है। साल 1956 में डॉक्टर रेड्डी को उनकी सेवा और काम के लिए भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से नवाजा गया था। समाज की बेहतरी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का निधन 22 जुलाई सन 1968 को चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि वो हर साल 30 जुलाई को हॉस्पिटल डे के तौर पर मनाएगी।